मुरादाबाद के दिल्ली रोड नया मुरादाबाद से मलकद्दा चौधरपुर के लिए जाने वाले मार्ग पर गंगा नदी पर ग्रामीणों द्वारा बनाया गया लकड़ी का चट्टा पुल इन दिनों जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। स्थानीय निवासियों के अगर माने तो आपस में चंदा एकत्रित करके ग्रामीणों द्वारा ये पुल लगभग 5 वर्ष पहले बनवाया गया था, जो आज भी लगातार चल रहा है और हर साल इस पुल की मरम्मत की जाती है। बरसात आने वाली है और इस पुल पर इन दिनों लकड़ी के गोले टूटकर गिर चुके हैं। स्कूटी व मोटरसाइकिल सवार इस पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर मंजिल का सफर करते हैं। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि 40 से 50 ग्राम पंचायतों के नागरिकों की मंजिल आसान हो सके, क्योंकि 4 दर्जन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो इस पुल के सहारे होकर पागबड़ा और दिल्ली रोड की ओर यहाँ के नागरिक सफर करते हैं, लेकिन ये चट्टा पुल इन दिनों जर्जर हालत में होता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जब एक स्थानीय नागरिक से बात की तो स्थानीय युवा द्वारा बताया गया, ये पुल के टूटे होने से गांगन का पुल बहुत टूटा हुआ चलता है, जब पानी आता है तो ये बह जाता है, बहुत दिक्कत होती है हमारे गाँव को, और कम से कम 50 गाँवों को दिक्कत होती है इस पुल से। तो क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? भाई प्रशासन से यही मांग है, जल्द से जल्द हमारा ये पुल पक्का कराया जाए, बस यही मांग है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक बने हैं कमालकर साहब, उनसे भी आप लोगों ने? माननीय कमालकर साहब ने बोल रखा है इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द माननीय विधायक जी इसका पुल का कार्य चालू करने के लिए तैयार है। जैसे बरसात आ रही है, बरसात में क्या होता है यहाँ पे? वो ये बह जाता है, पूरा पुल बह जाता है, खत्म हो जाता है पुल यहाँ का। फिर कैसे पहुँचते हैं पागबड़ा? दोबारा तैयार करते हैं, फिर तैयार करके फिर नहीं, बरसात में नदी चढ़ जाती है, फिर कितनी परेशानी होती है पागबड़ा जाने में? आप लोग कैसे कैसे घूम के आते हो? हम कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे घूम के आते हैं पागबड़ा।